हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका फेसबुक अकाउंट डिसेबल हो चुका है तो आप इसको किस तरह से ओपन करेंगे और फेसबुक पे किस तरह से आप इसको वहां पर रिक्वेस्ट भेजेंगे जिससे कि आपका अकाउंट अनेबल हो जाए और आप अपने फेसबुक ऐड को दोबारा से चला सकें। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले भाई सब्सक्राइब कर लें, नीचे लाल बटन है उसको दबा दें और साइड में घंटी वाला बटन है उसको जरूर दबा दें, जिससे सबसे पहले आपको मेरे वीडियो का अपडेट मिल जाए। भाई लाइक कर दिया करें जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल जाए और मैं आपके लिए इस तरह के वीडियो बनाता रहूं, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां पर निकलता रहे। तो फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको एक परफॉर्मा दिखा देता हूं कि आपका अकाउंट किस तरह से दिखता होगा। ये देखिए, यहां पर आपका अकाउंट इस प्रकार से यहां पर दिखता होगा। एड अकाउंट डिसेबल, दिस एड इज नॉट सम द इट्स एडवर्टाइजिंग एसेट्स हैव बीन डिसेबल, यू कांट यूज दिस रन एड, यानी कि आप एड रन नहीं कर सकते। ये फेस सबको क्रिएट हो रहा होगा कि किस तरह से हम अपने अकाउंट का सॉल्यूशन करें। फेसबुक पर भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो मैं आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा, आप वहाँ से जाकर अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये वार्निंग भी हमें दे रहा है, एक्टिवेट अकाउंट कैन क्रिएट ऑफ एडिट एड। ये देखिए, यहाँ पर मेरे कुछ ऐड इस तरह से ही यहाँ पर, ये इसको हम काटते हैं, यहाँ पर फिर दिखा रहा है योर अकाउंट इज डिसेबल्ड। ये बड़ी, ये देखिए, ऑटो रिव्यू मेरे पब्लिश 27 हैं, ऑटो ही यहाँ पे दिख रहा होगा, ये डिलीट भी नहीं होते। मैं यहाँ पे इन्हें सेलेक्ट करता हूँ और मोर पे जाता हूँ, ये डिलीट का ऑप्शन भी मेरा यहाँ पर हाइड है। इम्पोर्ट कर सकते हो कैंपेन टैग, बस और कुछ नहीं। तो भाई ये बड़ी कंडीशन की प्रॉब्लम है और एड चलाना सभी को है, सभी को अर्निंग करनी है। ये देखिए, यहाँ पर मेरा एक ही अकाउंट है। तो भाई आप इसको किस तरह से अनेबल कर सकते हैं और अपने ऐड को चला सकते हैं, तो फ्रेंड जुड़े रहिए। ये मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पर ये अपना मेरी ऑटो बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक लिंक दूंगा, जैसे कि ये है एक मेरा लिंक, यहाँ पर देखिए मैं ये लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर फेसबुक की जो इन्फॉर्मेशन है, आपका रिस्ट्रिक्ट अकाउंट हुआ हुआ है, तो ये एक फेसबुक का हेल्प सेंटर है, बड़ी ही मुश्किल से मैंने खोजा है इसको। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे जाकर इस पे रिक्वेस्ट रिव्यू ऑफ रिस्ट्रिक्टेड एड अकाउंट, यहाँ पर आप अपने भेज सकते हैं। इज दिस योर अकाउंट, आपका अकाउंट अपना है, अपना है या किसी और का है, तो यहाँ पर आप यस कर दें अगर जो आपका अपना है। अगर आप नो करते हैं, भाई मेरा अकाउंट नहीं है, मैं किसी दूसरे का ऐड चला रहा हूँ, तो यहाँ पर नो कर दें। यहाँ पर उसकी आईडी डाल दें, जो ये आपकी ये वाली आईडी होगी, इसको कॉपी करके यहाँ से, और ये इसको यहाँ पर डाल दें जो दूसरे की होगी। और यहाँ पर आप एंटर अ केस नंबर इफ़ यू हैव वन, आपके पास कैश नंबर डाल दें यहाँ पर है तो, ये ऑप्शनल है, इसमें आप डाल सकते हो या भी नहीं, इसे छोड़ भी सकते हो। और फिर ये है, वाई आर यू रिक्वेस्टिंग अ रिव्यू, आप ये रिक्वेस्ट क्यों भेजना चाहते हो उसको मैं, तो इसमें आप यहाँ पर पहला ऑप्शन है, आई एम नॉट श्योर विच द पॉलिसी वॉज वॉलेटेड, मैं श्योर नहीं हूँ कि इस कौन सी पॉलिसी में वो क्लिक करूँ। फिर है तीसरी है इसमें हमारी, आई थिंक देयर वॉज द अनऑथोराइज यूज ऑफ माई अकाउंट एड अकाउंट, तो ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा है भाई क्या रीज़न दूँ मैं इसमें, तो यहाँ पर आप एनी अदर रीज़न, यानी कि आप इस एनी अदर रीज़न में टाइप कर सकते हैं कि सर मेरा अकाउंट डिसेबल हो चुका है और मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है और ये अपना आप ही मेरा यहाँ पर अकाउंट डिसेबल हो चुका है और ये मैंने पोस्ट भी नहीं डाली थी, इसके अंदर मेरा अकाउंट यहाँ पर ऑटो जनरेट हो रहे हैं ऐड। तो यहाँ पर आप इस तरह का रीज़न बताकर यहाँ पर टाइप कर सकते हैं अपना, यहाँ पर अच्छे से आप
अपनी आईडी दे देंगे, अपने फेसबुक अकाउंट का नाम दे देंगे और बड़ी ही आसानी से आप यहाँ पर से फिल कर दें। और अगर आप पे थोड़ा सा लिखना नहीं आता तो इसको हिंदी में लिख के इंग्लिश में कन्वर्ट करके फेसबुक वालों को भेज दें। फिर फेसबुक आपके अकाउंट को चेक करेगा कि आपका किस तरह से ये डिसेबल अकाउंट हुआ है। फिर ये कम से कम आपका 8-10 दिन के अंदर अंदर या उससे पहले ही आपके पास ईमेल आ जाएगा कि भाई मैं आपकी खुद अकाउंट में सेटिंग कर देंगे। जो भी इनका प्रोसीजर है वो उसको फॉलो करेंगे, बस आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है और यहाँ इसको भाई सेव कर लेना है इस लिंक को। यहाँ पर बहुत सारे देखो जिसमें भी आपको दिक्कत आएगी आपको हर चीज़ की यहाँ पर फैसिलिटी मिलेगी। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी तो इसको लिंक को सेव कर ले और आगे इसको भाई शेयर करे जिससे कि आपको बेनिफिट हो जाए और दूसरे भाइयों को भी प्रॉब्लम आ रही होगी आप उसको भी शेयर कर दे इस वीडियो को, जिससे कि सबका सॉल्यूशन हल हो सके और सब अपने ब्लॉगिंग के थ्रू से अर्निंग कर सके। भाई अगर इस शक्ल को पहली बार देख रहे हो इस भाई की, अपने छोटे भाई की, तो भाई इसे ज़रूर आप वो कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें वीडियो को, कमेंट करके पूछे कुछ समझ में ना आए तो मैं इसको सोल्यूशन बताऊंगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।